स्वागत है आपका मेरे नए वीडियो में। पूरे हिंदुस्तान में एक बार दिवाली मनाई जाती है, लेकिन मुंबई में दो बार दिवाली मनाई जाती है। एक बार जब दिवाली दिवाली के वक्त आती है, और दूसरी बार तब जब गणपति का फेस्टिवल आता है। पूरे महाराष्ट्र में गणपति विसर्जन, एक गणपति जो फेस्टिवल होता है, बहुत ही स्पेशल होता है। तो आज आपको लेके चलते हैं सीधे गणपति पंडाल में। गणपति बप्पा। तो आज हम जिस गणपति पंडाल में आए हैं वो है बादाम बारी के गणपति। आप बताइए उसका। नमस्कार, जय गणेश। आप अभी यहाँ पर खड़े हैं पहली सुतार गली सार्वजनिक गणेश उत्सव मंडल। तो हम इस वक्त हैं खेतवाड़ी नंबर 2 में, गणपति नंबर 3। यहाँ 12 खेतवाड़ी है, और 12 खेतवाड़ी में 12 गलियाँ हैं, वहाँ पर अलग अलग गणपति बैठाए जाते हैं। तो इस वक्त हम 2 नंबर खेतवाड़ी में हैं और 3 नंबर गणपति के सामने हैं। तो अब हम आ चुके हैं खेतवाड़ी नंबर 4, गणपति नंबर 4 नंबर गणपति। तो इस वक्त हैं हम अखिल भुलेश्वर सार्वजनिक गणेशोत्सव में, और हमारे साथ हैं सर आप अपना नाम बताइए। राजू। तो राजू जी हमारे साथ हैं। और बहुत अच्छा आइडिया, और धीरे धीरे ये जागरूकता हर किसी के पास आना चाहिए, हर किसी मंडल में, हर किसी के घर में इको फ्रेंडली आना ही चाहिए। आप इको फ्रेंडली गणपति को, तो आपके जितने घरों में भी गणपति बैठाते हैं वो सब इको फ्रेंडली होते हैं? कोई कोई घर में इको फ्रेंडली बैठता है, कोई कोई घर में प्लास्टर ऑफ पेरिस का बैठता है। इको फ्रेंडली होना ही चाहिए, पर्यावरण के साथ अगर हमें चलना है तो वो तो सब कुछ करना ही पड़ेगा, पर ये करने के लिए समय तो लगेगा ही ना। अभी हमने आज शुरू की है और 2 साल के बाद तो हमारा भी इको फ्रेंडली हो ही जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो आप जो घरों में गणपति बैठाते हैं वो आपके इको फ्रेंडली रहते हैं? नहीं, अभी फिलहाल तो नहीं है, पर सब ने सोचा है कि अगले साल शायद कर लेंगे। बिल्कुल, अभी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी इको फ्रेंडली जो विषय है इसमें अभी उतर रहे हैं। धीरे धीरे आप, जैसे कि हमें अभी पता चला है कि किसी एक मंडल ने 20 फुट ऊंची इको फ्रेंडली मूर्ति बनाई हुई है। एक हम मंडल में, एक हम भी गए जो जोशीवाड़ी का गणपति है, वहाँ भी इको फ्रेंडली लगा जी। बिल्कुल, लेकिन अभी क्या है, लोगों को पहले इस विचार में उतरना पड़ेगा, क्योंकि इको फ्रेंडली जब मूर्ति लाते हैं तो ऐसी भरी बारिश में अगर हम उसका आगमन करते हैं या विसर्जन के लिए लेकर जाते हैं तो उसका क्या इफेक्ट रहेगा। अगर कागज के मोल्ड के भी हम लोग अगर कुछ मूर्तियाँ बना दें और बारिश की वजह से उसको कुछ नुकसान हुआ तो वो वहीं पर विडंबना हो जाएगी। तो उन सब चीज़ों को थोड़ा सा एक वक्त, एक हद साल 2 साल और जा सकता है कि एक बेहतर और कोई प्रोडक्ट, केमिकल या कुछ अच्छी सी चीज़ मिल जाए कि इससे बड़ी बड़ी मूर्तियाँ अच्छी आसानी से। गणपति है वो तो बहुत हैवी हो जाएंगे जी। बिल्कुल वो तो पॉसिबल नहीं, नहीं वो तो फिर तो, लेकिन जो घरों में गणपति बैठाते हैं वो आपके हिसाब से इको फ्रेंडली होने चाहिए? बिल्कुल होने चाहिए, और वो हो ही रहे हैं मेरे ख्याल से, तो 90% तक तो हो ही रहे हैं। तो हमने इको फ्रेंडली पेपर मशी गणपति चालू किया। अगर हम लोग आप जैसे यूट्यूब है कि चैनल्स के माध्यम से एक गणपति दिखेगा तो लोग सोचेंगे नहीं, अपना इको फ्रेंडली होना चाहिए, पेपर पल्प से होना चाहिए, इसे ग्लोबल वार्मिंग की कुछ मिले। न सिर्फ जो घरों में बैठाते हैं, बड़े बड़े पंडालों में जो गणपति बैठाते हैं उनको भी चालना मिलनी चाहिए कि और भी आगे प्रोग्रेस करनी चाहिए। हमारा ये उद्देश्य है कि गणपति जो अपना है समाज के हिसाब से, समाज का जो लोकमान्य टेलर ने जो गणपति स्थापित किया था उनके उद्देश्य क्या, आज का मंडल कहाँ जाए, कहीं ना कहीं यहाँ पे ब्रेक करके वो आगे होना उसका पालन से। ये त्यौहार की खासियत ये है, खास करके हमारे कालवादेवी के राजा की, कि ये जो मूर्ति आप देख रहे हैं ये मूर्ति पेपर पल्प से बनी है, यानी कि कागज के जो पल्प रहता है उससे ये बनी हुई है, और इसमें जो कलर लगाया हुआ है टोटल वाटर प्रूफिंग कलर है, वाटर कलर है। सो ये जो अभी ग्लोबल वार्मिंग की जो प्रॉब्लम आ रही है गणपति विसर्जन के टाइम, जो आप देख रहे होंगे कि जो मूर्तियों का जो नेक्स्ट दिन जो प्रॉब्लम होता है, तो ये हमारे मूर्ति में नहीं होता है क्योंकि ये इको फ्रेंडली मूर्ति है टोटली। तो इस वजह से मैं ये आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आप भी और सारे मंडलों को, ये हमारा ये है आह्वान है कि आप भी इस तरह की सी जो मूर्तियाँ है इको फ्रेंडली ये लाइए, और आगे ये ही अपने पास होना चाहिए ये सब, यानी कि ये जो अपना त्यौहार है ये आप हम लोग और अच्छी तरीके से आगे कर सकें।
कि जब गणपति विसर्जन होता है, विसर्जन के बाद जो मूर्तियां बाहर निकल आती हैं तो उनसे भगवान का कहीं ना कहीं अपमान होता है या ऐसा कुछ उनका सोचना है? मैंने कहीं लोगों नहीं, पहली बात तो एक है, उन पहली बात तो कैसा है, जब भी हम लोग का ये जब भी इसका लास्ट जब भी हम लोग यहाँ पे पूजा अर्चा करते हैं तभी उसमें का जो जीवपना रहता है, आत्मापना रहता है, वो गणपति का निकल जाता है। जो कुछ भी बड़े गणपति है वो पानी में जाने के बाद वो अनफॉर्चुनेटली बाहर आते हैं, वो गलत बात है, पर इसमें तभी वो गणपति का मतलब वो सब गणपति का भाव प्राण प्रतिष्ठा वो निकल जाता है। जब भी हम लोग लास्ट का पूजा करते तो भी बहुत से मंडल पूरा कोशिश करते कि जितना पानी में जाना हो उतना, क्योंकि पानी में जाने को इतना पुलिस भी बोलो महानगर पालिका भी बोलो बहुत रिस्क रहता है वहाँ पे, इसलिए जितना जाने को मिलता है उतना सब मंडल करते हैं। ऐसा कोई नहीं, किसी को ऐसा लगता नहीं कि छोड़ के चले जा रहे करके, खाली पानी के वजह से वो लोग बाहर निकल जाते हैं। बाकी तो एज हमारा जो साढ़ू का मट्टी का मूर्ति है वो पूरा प्रॉपर बीचों बीच पानी में जाता है, उसका कोई इश्यू नहीं है। और विद इन हाफ एन आवर्स में हमारा मिट्टी पूरा पिघल पिघल जाता है। समुद्र एक ऐसी चीज़ है ना कि उसमें आप कुछ भी डालो तो वो विसर्जित करने के लिए तो वो उसको अपने को सपोर्ट करता ही है। और आज ये महाराष्ट्र की सबसे बड़ी कला है जो पूरे जग में प्रसिद्ध है। बहुत सारे लोगों का ऐसा कहना है कि इतनी बड़ी मूर्तियाँ हम बनाते हैं फिर आप उसकी विटंबना करते हो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होगा। आपके इस चैनल की ओर से मैं आपको बताना चाहूँगा, लोगों तक ये पहुँचाना चाहूँगा कि ऐसी किसी भी तरह की कोई भी विटंबना नहीं होती है। लोग जितनी श्रद्धा से भगवान को लाते हैं उतनी ही श्रद्धा से उनका विसर्जन भी किया जाता है। हमारे शास्त्रों में स्थापित करने के लिए जो मंत्र दिए जाते हैं उसको विसर्जित करने के लिए भी वो मंत्र दिए ही जाते हैं। बात क्या है, ये पारंपरिक प्रथा चलती आई हुई है, ये हमारी एक विश्वास श्रद्धा है। जब हम विसर्जन करते हैं पूरे भक्ति भाव से करते हैं, तो विसर्जन के बाद जो है अगर आप सरकार या कोई सामाजिक संस्था है अगर हमें कहे कि इसके बाद आपको ये काम करना है या इस तरीके से प्लानिंग है, आप इन मूर्तियों को एक जगह जमा कीजिए या कुछ कीजिए, तो हमें भी पता चले, हम पूरा कर लेने के लिए तैयार है, आगे आने के लिए तैयार है। अगर रास्ता होगा तो मंजिल भी मिल जाएगी। बहुत अच्छे विचार है सर आपके। यार गए थे प्रॉपर प्लॉगिंग करने, लेकिन जो चीज़ हमें सामने निकल के आई है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग आई है, तो मैंने सोचा कि इसी को कंटिन्यू करते हैं। तो जो लोगों से हम लोग मिले और उनसे बात की, जितने पंडाल में हम गए, तो हमें लगा कि इको फ्रेंडली गणपति के लिए लोग तैयार हैं अभी। लेकिन इको फ्रेंडली गणपति के लिए लोग घरों में अभी भी फिर भी कई लोग, बहुत सारे लोग इको फ्रेंडली गणपति बैठाते हैं, इन्वायरमेंट के जो अवेयर रहते हैं इन्वायरमेंट को लेके। लेकिन बड़े बड़े पंडाल जो हैं वहाँ पर अभी तक इको फ्रेंडली गणपति पॉसिबल नहीं हो पाए हैं। कुछ पंडाल में हम गए जहाँ पर इको फ्रेंडली गणपति थे, लेकिन सारे पंडाल में नहीं थे। तो आई होप कि जब आगे अगले साल हम जब गणपति पंडाल में घूमेंगे आपके साथ, तो ज़्यादातर पंडाल में हमें इको फ्रेंडली गणपति मिलेंगे। सो होप फॉर वेल। गणपति बाप्पा मौर्या।